hello kids my name is amreen kagzi the teacher of radiant international school today i am going to teach you gk general knowledge lesson number 12 famous currencies lesson number 13 national animals and lesson number 14 metro cities from your gk test book so shall we start kids lesson number 2 12 famous currencies जैसे कि किड्स आप जानते ही होंगे हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जैसे इंडिया हमारी कंट्री है उसकी एक डिफरेंट करेंसी है विच इज़ रुपीज़ यस रुपीज़ जो है वो हमारी इंडिया की करेंसी है वैसे ही हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है और उसका एक पर्टिकुलर सिंबल भी होता है सो so, आज हम ऐसे ही कुछ और कंट्रीज़ की करेंसी को सीखेंगे ओके सो नंबर वन इज़ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसका आपको जो ये ये जो है ये इसका फ्लैग है क्या है ऑस्ट्रिया का फ्लैग और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी होती है किड्स वो होती है यूरो क्या होती है यूरो और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है यूरो उसका ये सिंबल है यस yes. और नेक्स्ट इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये जो है ये फ्लैग है वहां का क्या है फ्लैग और जो यूएसए की करेंसी होती है किड्स वो होती है डॉलर क्या होती है डॉलर यस yes. और ये डॉलर जो करेंसी होती है ये इसका सिंबल है नेक्स्ट इज इंडिया हमारी कंट्री और हमारी कंट्री का ये प्यारा प्यारा सा हमारा तिरंगा है हमारा फ्लैग है और आप जानते ही हो इंडिया की करेंसी क्या है रुपीज वेरी गुड और किड्स ये जो है ये सिंबल जो है हमारी करेंसी का सिंबल है ओके नेक्स्ट कर नेक्स्ट कंट्री इज जापान जापान ये जापान का फ्लैग होता है और जापान की करेंसी है येन. क्या है येन. और ये जापान की करेंसी का सिंबल है ओके okay? लास्ट कंट्री है यूके यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम और ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है और यूके की करेंसी होती है पोंड क्या होती है पोंड और ये जो नजर आ रहा है आपको ये यूके की करेंसी पॉन्ड का सिंबल है ओके okay? सो so, आज हमने सीखा है इंडिया की करेंसी जापान की करेंसी ऑस्ट्रिया की करेंसी एंड यूएसए की करेंसी और उसकी उसका सिंबल भी सो so, द अब आपकी जीके की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर सिक्सटीन है जिस पर आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है द क्वेश्चन इज द करेंसीज़ ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन बिलो मैच देम विद सिंबल्स आपको यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर कंट्री और उसके सिंबल्स से उसको मैच करना है नंबर वन इज़ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो और यूरो का सिंबल है ये रहा यूरो का सिंबल। ओके नंबर टू यूएसए यूएसए की करेंसी है डॉलर और ये रहा उसी के सामने उसका सिंबल। सो so आपको इसे मैच करना है नंबर थ्री इंडिया रुपीस इंडिया की करेंसी है रुपीस सो so, कहाँ है किड्स इंडिया का रुपी का सिंबल ये रहा नंबर ए पर सो यू हैव टू मैच विथ नंबर ए जापान जापान की करेंसी है येन सो so, आपको इसको येन से मैच करना है नंबर फाइव यूके यूके की करेंसी है पॉन्ड सो so, आपको इसको पॉन्ड्स की सिंबल से मैच करना है ओके okay? लेसन नंबर थर्टीन नेशनल एनिमल। सो लेसन इस लेसन में हम सीखेंगे जैसे कि किड्स हर एक कंट्री का एक अलग सिंबल होता है उसकी कुछ निशानियाँ होती है जहाँ उसकी पहचान होती है जैसे कि नेशनल फ्लावर नेशनल फ्रूट नेशनल एनिमल्स सो हर एक कंट्री का एक अपना एक पहचान होती है उसका नेशनल एनिमल्स सो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेशनल एनिमल्स के पिक्चर्स आपको दिए गए हैं और हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है कि वो उस कंट्री का वो कौन सा एनिमल है ओके सो द फर्स्ट इज़ ये जो है ये कौन सा एनिमल है आप जानते ही होंगे कौन सा एनिमल है ये यस बंगाल टाइगर जो बंगाल टाइगर जो है वो बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है नेक्स्ट एनिमल इज़ फिनिक्स फॉक्स ये जो छोटा सा एनिमल है ये एक फिनिक फॉक्स है और ये अलजेरिया का नेशनल एनिमल है कौन सा एनिमल है ये फिनिक्स फॉक्स और ये अल्जेरिया में पाया जाता है नेक्स्ट एनिमल इज़ बियावर नॉर्थ अमेरिकन बियावर ये जो होता है ये कैनेडा का नेशनल एनिमल है किड्स ये मोस्टली कैनेडा में होता है और ये कैनेडा का एक सिंबल है उसकी पहचान है ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया आप तो जानते ही होंगे इस एनिमल को ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं यस रेड कांगारू ये रेड कंगारूज है ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ऑस्ट्रेलिया की पहचान है ये लायन इथोपिया ये जो लायन होते हैं ये इथोपिया में बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया में भी होते हैं लेकिन ये इथोपिया की पहचान है वहाँ का नेशनल एनिमल है कहाँ का इथोपिया का लायन नेक्स्ट इज स्नो स्नो लेपर्ड ये मोस्टली पाए जाते हैं अफगानिस्तान में और ये अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल भी है आप तो पहचान ही गए होंगे ये कौन सा एनिमल है यस जो लॉन्ग नेक वाला होता है और जिसके लेग्स भी बहुत लॉन्ग होते हैं कौन सा एनिमल है ये यस जिराफ यस और जिराफ जो है किड्स वो टेंजेनिया का नेशनल एनिमल है टेंजेनिया नेक्स्ट इज ग्रेव वॉल्फ ये ग्रेव वॉल्फ जो होता है ये टर्की में पाया जाता है मोस्टली और ये टर्की का नेशनल एनिमल है नेक्स्ट इज ब्राउन बेयर ब्राउन बेयर इंडिया में भी होते हैं लेकिन ब्राउन बेयर फिनलैंड में भी बहुत ज्यादा होते हैं और फिनलैंड का ये नेशनल एनिमल भी है सो so किड्स हमने आज अलग अलग कंट्रीज के नेशनल एनिमल्स को स्टडी किया अब हम उसकी एक एक्सरसाइज भी कर लेंगे ओके सो क्वेश्चन इज countries around the world have various national symbols given below are the some names of some countries along with their national animals and clues are given here for us यहाँ हमको national animals के pictures दिए गए हैं हमें आप, आपको उस animal को recognize करना है पहचानना है और यहाँ clue box में से इसका name को search करके इसका number यहाँ पर आपको write down करना है सो नंबर वन बांग्लादेश और ये कौन सा एनिमल है किड्स आप तो जानते ही हो कौन सा एनिमल है ये बेंगाल टाइगर तो आपको यहाँ क्लू बॉक्स में सर्च करना होगा कि बेंगाल टाइगर कहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर राइट डाउन किया है सो so, सर्च करें आप कहाँ पर लिखा है यस yes. यहाँ पर नंबर आई पर सो यू हैव टू राइट हियर आई नेक्स्ट अल्जीरिया कौन सा एनिमल है ये अभी मैंने आपको सिखाया फिनिक्स फॉक्स वेरी गुड सो वेर इज द फिनिक फॉक्स इन द क्लू बॉक्स यो यू हैव टू राइट जी इन दिस बॉक्स ओके कैनेडा कैनेडा का नेशनल एनिमल कौन सा है आपको नाम याद आया इसका नॉर्थ अमेरिकन बियवेर सो वेर इज यहा है ये नंबर सी पर सो यू हैव टू राइट ईयर नंबर सी Australia, kangaroo, very good. Search, kangaroo, D. So you have to write here D. Ethiopia, lion, number B. Afghanistan, cos animal hai ye? Snow leopard, where is snow leopard? On number A. So you have to write here in box, number A. Tanzania, जिराफ यस yes. आप जानते ही हो इस एनिमल को वेर इज जिराफ रिटर्न हियर. ऑन नंबर एच सो यू हैव टू राइट इन बॉक्स एच टर्की टर्की का नेशनल एनिमल है ग्रेव वॉल्व सो यर इज ग्रेव वॉल्फ ऑन नंबर ई सो यू हैव टू राइट नंबर ई फिनलैंड ब्राउन बेयर यस ये ब्राउन बेयर है सो so, आपको ब्राउन बेयर सर्च करना है यहाँ क्लू बॉक्स में वेराइटी एफ yes, so, ये बहुत सी सिंपल सी एक्सरसाइज है किड्स आपको इसे कंप्लीट करना है ओके लेसन नंबर फोर्टीन मेट्रो सिटीज इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है किड्स उसमें बहुत सारी फेमस सिटीज़ हैं कुछ बड़ी सिटी है कोई छोटी सिटी है हमारी कंट्री में बहुत सारी सिटीज़ है और उसमें से कुछ सिटीज़ है मेट्रो सिटीज़ जो बहुत ही बड़ी है और फेमस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो बहुत फेमस सिटीज़ है ऐसे ही कुछ इंडिया की फेमस मेट्रो सिटीज़ के को आज हम स्टडी करेंगे सो so, यहाँ पर हमें अब दिया गया है कुछ फेमस सिटीज़ के फेमस प्लेसेस के पिक्चर और हमें उस पिक्चर्स को देखकर पहचानना है कि वो सिटी कौन सी है सो नंबर वन पिक्चर नंबर वन यहाँ पर आपको है ट्राम 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 जो होती है किड्स वो ना बस होती है ना ट्रेन होती है उसके वो एक अलग एक व्हीकल होता है जो मोस्टली हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में होता है कहाँ होता है कोलकाता में यस yes. दक्षिणेश्वर म टेम्पल ये भी है कोलकाता में ये एक कोलकाता का फेमस टेम्पल है हावड़ा ब्रिज ये कोलकाता का सबसे फेव फेमस प्लेस है और ये इसकी पहचान है हावड़ा ब्रिज तो ये जो सिटी है मेट्रो सिटी इसका नेम है कोलकाता यस yes. नेक्स्ट पिक्चर इंडिया गेट लोटस टेंपल एंड राजघाट ये हमारी कंट्री का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली उसके फेमस प्लेसेस हैं इंडिया गेट लोटस टेंपल एंड राजाट ये कहाँ है तीनों के तीन ये प्लेसेस न्यू दिल्ली में तो आप ये हमारा न्यू दिल्ली है इंडिया का कैपिटल नेक्स्ट पिक्चर गेट वे ऑफ इंडिया हाजी अली दरगाह बांद्रा वर्ली सीलिंग कहाँ है ये आप गए हो कभी इस प्लेसेस पे आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स गए होंगे इन प्लेसेस पे क्योंकि ये फेमस प्लेसेस है विच इज इन मुंबई यस गेट ऑफ इंडिया हाजी अली दरगाह एंड वर्ली सीलिंग है ये मेट्रो सिटी मुंबई की फेमस प्लेसेस है कहाँ के प्लेसेस है ये मुंबई मुंबई जो है इंडिया का मोस्ट फेमस फेमस सिटी है यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने के लिए स्टडी के लिए और बिजनेस के लिए आते हैं और ये इंडिया का कमर्शियल कैपिटल भी है मुंबई नेक्स्ट इज मरीना बीच चपॉक स्टेडियम एंड रिपॉन् बिल्डिंग ये कहाँ की फेमस प्लेसेस है किड्स किसी को पता है नो no? मैं बताती हूँ ये सारे फेमस प्लेसेस है चेन्नई के कहाँ के चेन्नई चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है और चेन्नई भी बहुत फेमस है इन सब बीच के लिए और कमर्शियल सिटी है ये भी और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है सो so, ये हमने आज स्टडी किया कि इंडिया की फोर मेट्रो सिटीज कोलकाता न्यू दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई सो जीके बुक पेज नंबर सेवनटीन पर इसकी एक एक्सरसाइज दी गई है स्पल दो एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मेट्रो सिटीज करेक्टली यूज ऑफ द पिक्चर क्लूज यहाँ पर किड्स आपको पिक्चर्स दिए हैं फेमस प्लेसेस की और यहाँ पर जंबल वर्ड्स में आपको उस सिटी का नेम दिया गया है यहाँ पर और इन जंबल वर्ड को करेक्ट स्पेलिंग करके आपको यहाँ पर इन बॉक्स में राइट डाउन करना है सो so, ट्राम दक्षिणेश्वर मंदिर एंड हावड़ा ब्रिज ये कहाँ फेमस है कोलकाता सो यू हैव टू राइट हियर कोलकाता इस जंबल वर्ड्स में से आपको सही स्पेलिंग करनी है और यहाँ पर राइट डाउन करना है ओके नंबर टू इंडिया गेट लोटस टेम्पल राजघाट ये फेमस है कौन सी सिटी के लिए न्यू दिल्ली ये यू हैव टू राइट न्यू दिल्ली गेट वे ऑफ इंडिया हाजी अली दरगाह सीलिंग ये कौन सी सिटी के फेमस प्लेसेस है मुंबई वेरी गुड तो यू हैव टू राइट हेयर मुंबई मलीना बीच चपॉक स्टेडियम रिपोर्ट बिल्डिंग ये फेमस प्लेसेस है चेन्नई के सो यू हैव टू राइट हेयर चेन्नई ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम अमरीन कागजी सेज यू गुड बाय स्टे होम एंड बी सेफ